XI News, मैं हूं आपकी होस्ट नैंसी। आप सभी का मैं स्वागत करती हूं आज आप सभी के फेवरेट प्रोग्राम सीरियल से आपा में। जानते हैं आप कि मैं जब भी आती हूं तो आपको बताती हूं कि भाई टीवी टाउन में ऐसा कौन सा सीरियल है जो इन दिनों काफी ज्यादा उसमें सयापे हो रहे हैं। बता दे आपको, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आप सभी के फेवरेट सीरियल कलर्स टीवी पर आने वाले बेपनाह को लेकर, जहाँ पर बेपनाह में 6 महीने का लीप दिखाया गया है। जी हाँ, जहां हमने आपको पहले बता दिया था कि शो में लीप आएगा और लीप के बाद जोया और आदित्य बिल्कुल ही अलग अंदाज में दिखेंगे, अलग अवतार में भी दिखेंगे। तो वहीं हम आपको बताएंगे, अगर आप सभी से करण ट्रैक की कहानी मिस हो गई है तो मैं आपको बताऊंगी कि आखिरकार लीप के बाद का जो पहला एपिसोड दिखाया गया है उसमें आखिरकार क्या कुछ रहा और आने वाले ट्रैक में आपको क्या कुछ नया देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको ये भी बता दे कि जोया जो है, जहां पर वो पहले से काफी ज्यादा सीधी सी लड़की दिखाई देती थी, मगर लीप के बाद जोया का अवतार बिल्कुल ज्यादा बदल दिया, जहां पर वो चीजों से अब डरती नहीं है बल्कि खुल के उसका सामना करती है। आप जानेंगे कि आखिरकार जोया को लीप के बाद मिस्टर हुडा की सच्चाई का पता चल जाएगा। जी हाँ, मिस्टर हुडा की सारी सच्चाई जो है वो जोया के सामने खुल जाएगी। आखिरकार जब जोया को ये पता चल जाएगा कि इन सब का मास्टर प्लान जो था वो कोई और नहीं मिस्टर हुडा था, तब वो क्या करती हैं? देखिए आप हमारे इस रिपोर्ट में और जानिए क्या कुछ नए ट्विस्ट और टर्न्स आपको सीरियल में देखने को मिलेंगे। कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के फेवरेट सीरियल बेपनाह की कहानी को लेकर मैं हाजिर हूँ। आप जानते हैं कि मैं जब भी आती हूँ तो आप सभी को बेपनाह की कहानी के बारे में बताती हूँ और साथ ही साथ करंट ट्रैक से शुरुआत करते हुए आपको अपडेट्स भी देती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं करंट ट्रैक की कहानी। बता दें आपको कि करंट ट्रैक के जहाँ पर बेपनाह में 6 महीने का लीप आ चुका है, तो वही लीप के बाद जिस तरह से जोया का बदला लुक सामने आया, मानो हर कोई उस लुक को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा है। फैंस भी इस बदले लुक को काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि अब तक कहानी में जोया को पहले बहुत ही सीधी सादी और डरी डरी सी दिखाया गया है, मगर लीप के बाद जिस तरह से जोया का नया लुक सामने आया, जोया काफी ज्यादा बोल्ड अवतार में भी नजर आ रही है। और साथ ही साथ जोया जो है वो यश की जॉर्ज कंपनी को वापस से चलाने का फैसला करती है। दिखाया जा रहा है कि लीप के बाद जोया जो फैसला लेती है वो जॉर्ज कंपनी को काफी ऊंचाइयों तक भी ले जाती है। अब कहानी में बात की जाएगी आदित्य के बारे में। आदित्य जहां पर 6 महीने से वो एकदम लापता से हो गए हैं कि भाई आखिरकार आदित्य गए कहाँ है। आपको बता दे, शो में आदित्य की भी धमाकेदार एंट्री होगी, जहां पर आदित्य के लुक को देखकर भी हर कोई उन्हें काफी ज्यादा पसंद करता दिखाई देगा। साथ ही साथ आदित्य की बात की जाए तो आदित्य कहीं ना कहीं जहां पर पीछे दिखाया गया कि पूजा और यश की यादों को भुलाकर वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, मगर कहीं ना कहीं आदित्य को आज भी अपनी वो गलती सता रही है कि आखिरकार आदित्य के कारण पूजा ने अपने बच्चे को अबॉर्ट करवाया, जिसके चलते आदित्य काफी ही नशे का आदी भी हो जाएगा। आपको बता दे, धीरे धीरे आदित्य और जोया की मुलाकात होगी, मगर कहानी में जिस तरह से जोया की शादी का दिखाया जा रहा है कि जोया निगाह पड़ने वाली है, वो भी दूसरी बार, तो आपको बता दे निगाह जोया नहीं पड़ेगी और उन्हें आधी से उनकी मुलाकात होगी। यहीं से कहानी में नया ट्विस्ट भी आएगा, जहां पर आदित्य और जोया दोनों ही मिलके जॉर्ज कंपनी को एक बार फिर से चलाने के बारे में सोचेंगे। जहाँ पर जोया ने तो इस कंपनी को ऊंचाइयां छू ली है, तो वहीं पर उनके पार्टनर आदि भी बन जाएंगे और वहीं से शुरू होगा इन दोनों के प्यार का सिलसिला, जहां पर आदित्य और जोया दोनों के मन में दोनों के लिए ही प्यार पैदा हो जाएगा। मगर आदि जो है वो थोड़ा मंगाएगा कि क्या मैं ये बात जोया को बता दूं या फिर नहीं। अब कहानी में दिखाया जाएगा कि आखिरकार मास्टर माइंड कौन था, भाई आखिरकार कौन है वो जिसने पूजा और यश का मर्डर किया। आपको बता दें,
साथ ही साथ अब कहानी में ये दिखाया जाएगा कि आखिरकार पूजा और यश का मर्डर किसने किया। आपको बता दे, कहानी में ये भी कहा जा रहा है कि भाई मिस्टर हुडा की सारी सच्चाई जो है वो जोया के सामने आ जाएगी। जी हाँ, जोया को पता चल जाएगा कि यश और पूजा को किसी और ने नहीं बल्कि मिस्टर हुडा ने मारा है। कहानी में काफी बड़ा ट्विस्ट तो ये देखने वाला होगा कि जब मिस्टर हुडा की सच्चाई जोया के सामने आएगी तो वो किस तरह से मिस्टर हुडा से डील करती है। क्या कुछ ये ऑन लोकेशन भी मस्ती करते हैं, आप देखिए हमारे इस वीडियो में।
वेल, फाइनली आपने देखा, हमने आपको दिखाया आप सभी के फेवरेट प्रोग्राम सीरियल सियापा में, जहां पर बेपनाह सीरियल जब से ही टेलीकास्ट हुआ है, अब तो कहानी लीप तक पहुंच चुकी थी, तब से देखा गया है कि फैंस जो हैं वो काफी ज्यादा इस सीरियल को लेकर एक्साइटेड होते दिखाई दिए हैं। फैंस हर टाइम जानना चाहते रहे हैं कि भाई आने वाले दिनों में उन्हें क्या कुछ नया, क्या कुछ ऐसी चीजें दिखेंगी जो वो काफी ज्यादा ही कहानी को अलग अंदाज में लेकर जाएंगी। देखा आपने कि लीप के बाद जहां पर जोया का लुक तो हमने आपको दिखा ही दिया, और लाजमी है कि आप भी ये टेलीकास्ट देख चुके होंगे जहां पर जोया काफी ही ज्यादा खूबसूरत अंदाज में एक बार दिखाई देती है। वहीं हमने आपको ये भी दिखाया कि आदित्य का अंदाज भी सामने आया है, जहां पर लीप के बाद पहले एपिसोड में सिर्फ जोया को ही दिखाया गया, मगर आदि का लुक भी सामने अब आ चुका है, जहां पर आदित्य एकदम नशे की हालत में चूर हो चुका है। वहीं पर हुडा फैमिली काफी ज्यादा परेशान है कि भाई आदित्य आखिरकार कहाँ पे गया है, अब तक आदित्य का कुछ भी पता नहीं चला है। मगर आपने साथ ही साथ ये देखा कि धीरे धीरे कहानी में आदित्य और जोया दोनों ही जॉश कंपनी को चलाएंगे, जहां पर जोया फिलहाल जॉश कंपनी को बेहतर तरीके से चला रही हैं, तो वहीं पर आदि आ जाएगा और इन दोनों की लव स्टोरी शुरू हो जाएगी। मगर धीरे धीरे जब शो में दिखाया जाएगा कि आखिरकार इस पूरी कहानी का मास्टरमाइंड कौन था, और ये सच्चाई जब जोया के सामने आएगी तो जोया इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाएगी कि मिस्टर हुडा ही थे जिन्होंने पूजा और यश का मर्डर किया था। उसके बाद काफी ज्यादा नए ट्विस्ट और टर्न्स आपको सीरियल में देखने को मिलेंगे। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में तो बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।